मित्रों जय माता दी आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आज का संपूर्ण राशि फल लेकर ये राशि फल है की अगस्त का। अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संबद दो हजार सतहत्तर मास कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि तृतीय तिथि आज रात के बारह बजकर सोलह मिनट तक रहने वाला है उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी नक्षत्र आज रहने वाला है सतभीा सतभिसा नक्षत्र आज दिन के ग्यारह बजकर अठारह मिनट तक रहने वाला है, उसके बाद पूर्व आरंभ हो जाएगा में आज है कजरी लिंक दिया हुआ है वहां जाइए और आज का पंचांग आप वहां से विस्तार में देख सकते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के वीडियो में हम जानने वाले कुल बारह राशियों का आज का राशिफल साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय अशुभ समय दिशाशूल शुभ खाद्य राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए शुभ रहेगा राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है तथा राशि अनुसार कौन सा अंक यानी कि आपका लकी नंबर क्या रहने वाला है तो वीडियो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और संपूर्ण राशिफल के वीडियो का लाभ उठाइए वीडियो आ, आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें मित्रों आज के बारह राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के ग्रहों की स्थिति पर आज शुक्र और राहु दोनों एक साथ मिथुन राशि में बुद्ध सूर्य के साथ कर्क राशि में गुरु केतु के साथ धनु राशि में शनि मकर राशि में चंद्रमा आज कुंभ राशि में मंगल मीन राशि में है तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिला लाल आज के राशि फल में हम जानने वाले हैं तो आइए बात करेंगे पहली राशि मेष राशि की मेष राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है जिसके प्रस्वरूप आज आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूर करें इससे आपको भी जीवन में फायदा होगा आपके पिता या उच्च अधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि आज बढ़ेगी मन में नए नए विचार आएंगे इन विचारों को सहेज कर अपने जीवन में आगे बढ़ें स्वादिष्ट भोजन का आनंद आप उठा पाएंगे मित्रों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के या फिर धार्मिक कार्य करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गलतफहमी के कारण आपके और आपके प्रियजनों के बीच लड़ाई झगड़े या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो यहाँ सावधानी जरूर बरते हैं व्यापार और धन की बात करें तो आज आपको आपके करियर में सफलता की प्राप्ति होगी आप आज अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी परिवार के किसी व्यक्ति से आपको धन लाभ भी हो सकता है जो यहाँ तक नौकरी करते हैं उनको ऑफिस में ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है पढ़ाई से आपका मन भटकेगा ऐसे में अपने लक्ष्य को ध्यान करेंगे तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है चुस्ती और फुर्ती का अनुभव करेंगे लेकिन आपको मौसमी बीमारियों से सचेत रहना भी आवश्यक है प्रेम संबंध की बात करें तो आज आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस भी होगा आज के दिन चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग पीला रंग और आपके लिए आज का लकी नंबर एक रहने वाला है बात करेंगे राशि की चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज आप किसी पर भी अपनी बात थोपने की कोशिश ना करें आपको नुकसान यहाँ से हो सकता है आपके दोस्त के साथ अच्छे समान बनाकर आपको रखने का प्रयास करना चाहिए उनसे लड़ाई झगड़े की संभावना भी बन रही है शांति से अगर काम लेंगे तो आपके बहुत सारे काम भी बन सकते हैं अपने लग्न और आत्मविश्वास से आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से भी कर पाएंगे जो तक मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है व्यापार और धन की बात करें तो आज आप अपने साहस और पराक्रम के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में स्थिति को सुधार सकते हैं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा यश और कीर्ति में वृद्धि भी होगी आपके व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी अपने काम पर फोकस रहें इसका फायदा आपको मिलेगा नौकरी करने वाले जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेद बढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आपको सावधानी निश्चित तौर पर बरतनी चाहिए अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को आज शिक्षा के क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होगी तो डटकर मेहनत करें उसका फायदा आपको होगा स्वास्थ्य की बात करें तो जिन जातकों को जोरों का दर्द रहता है उन्हें आज परेशानियां रह सकती है आज आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा व्यायाम करें योग करें इससे आपको स्वास्थ्य में भी फायदा होगा प्रेम संबंध की बात करें तो आज आपके जीवन साथी के साथ किसी दूसरे की वजह से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं तो कुछ भी ऐसा सोचने से पहले बातों को गहराई से जोड़ जाने आज के दिन मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग मरून रंग और आपके लिए आज का लकी नंबर दो रहने वाला है बात करेंगे मिथुन राशि की मिथुन राशि में चंद्रमा आज पांचवें स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज आपको कई प्रकार के परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है आज अपनी माता के साथ कुछ समय जरूर बिताएं और उनकी मन स्थिति को जरूर समझें इससे आपको असीम मन की शांति मिलेगी यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल पक्ष से किसी के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं तो यहाँ पर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए आज आप अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित भी रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की पढ़ाई में रुचि को समझनी होगी बच्चों को उनके करियर के प्रति प्रेरित जरूर करें व्यापार और धन की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज के दिन अच्छा रहने है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी जिसका फायदा आपको भी व्यापार में मिलेगा आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन का दान जरूर करें नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है नौकरी में परिवर्तन करने का मन भी आज हो सकता है कुछ जातकों को सट्टेबाजी साथ लाभ भी हो सकता है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों का मन आज चंचल रह सकता है आज आपको सोशल मीडिया या मोबाइल फोन से थोड़ा दूर रहना होगा इससे आपका कैरियर प्रभावित हो सकता है स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको किसी प्रकार की चिंता रह सकती है मन अशांत भी रहेगा जो या तक पहले से ही बीमार है उन्हें अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए प्रेम संबंध की बात करें तो आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी पर किसी प्रकार का शक करने से पहले सच्चाई को जानने की कोशिश जरूर करें अगर आप लंबे समय से प्यार के इजार की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है आज के दिन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग और आपके लिए आज का लकी नंबर पांच रहने वाला है बात करें कर्क राशि की कर्क राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुभ आज आपकी कार्य की अधिकता रहेगी कार्य स्थल में परिवर्तन का मन भी आपका हो सकता है आज आप अपनी वाणी की मधुरता से बहुत सारे कारणों को निपटा सकते हैं अगर आप अपनी वाणी पर आज अंकुश नहीं लगाएंगे तो बहुत सारे लोगों के आक्रोश का सामना भी आपको करना पड़ सकता है शासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी अगर कुछ नया काम आरंभ करना चाहते हैं तो इसमें आज समस्या उत्पन्न हो सकती है मन में किसी प्रकार की चिंता भी रह सकती है व्यापार और धन की बात करें तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया है तो वहाँ से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है पिछले कर्ज को आप आज चुका पाएंगे व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है तो उसे खत्म करना भी अति आवश्यक हो गया है इससे आपको बहुत ज्यादा का सामना करना पड़ सकता है विद्यार्थी की बात करें तो मेहनत करने, करने की आज थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है आज आपको तनावपूर्ण वातावरण में रहने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है प्रेम संबंध की बात करें तो आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दें और उसे समझें इससे आपके प्रेम संबंध में नई ऊर्जा का संचार भी होगा लेकिन प्रेम संबंधों में समझ कर आगे बढ़ें किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके प्रेम संबंध में दरार भी उत्पन्न हो सकती है आज के दिन गेहूं से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग पीला रंग और आपके लिए आज का लकी नंबर आठ रहने वाला है बात करेंगे सिंह राशि की सिंह राशि में चंद्रमा आज सातवें स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा कई मायनों में आज का दिन आपके लिए चुनौतियों से भर रह सकता है आज अगर आपको जीवन में कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें आपके मन में आज किसी प्रकार का नकारात्मक विचार भी आ सकता है जिससे आपका कार्य भी प्रभावित हो सकता है आज आपकी बोली गई बातों को आपके प्रतिद्वंदी द्वारा तोड़ मोड़ कर पेश किया जा सकता है तो कुछ भी बोलते समय सावधानी बरतें किन्हीं जातकों के उनके पिता के साथ आज भी सकते हैं। तो यहां पे सावधानी आपको निश्चित तो या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है जो तक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ भी हो सकता है सामान्य व्यापारियों के बीच आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आवश्यकता होने पर आपको आपके भाई बहनों से आर्थिक मदद भी मिल सकता है नौकरी करने वाले जातकों के भी आज के दिन अच्छा रहने वाला है ऑफिस में सहकर्मी और सीनियर के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा विद्यार्थी की बात करें तो आज आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करें ज्यादा मेहनत की आपको आवश्यकता भी है ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी स्वास्थ्य की बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहने वाला है किन्हीं जातकों को आज किसी प्रकार की चिंता रह सकती है प्रेम संबंध की बात करें तो विवाहित जातकों को आज जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जो तक अविवाहित है उन्हें आज कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है आज के दिन तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तब के शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग लाइट येलो कलर और आपके लिए आज का लकी नंबर दो रहने वाला है बात करें कन्या राशि की कन्या राशि चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है जिसके प्रसुभ आज आपको परिवार का साथ मिलेगा खास करके छोटे भाई बहनों से माता पिता से भी कुछ आर्थिक सहयोग आपको आज मिल सकता है परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा जिसके फलस्वरूप घर में सकारात्मकता भी रहेगी लेकिन आज आपके लिए लड़ाई झगड़े के योग भी बन रहे हैं तो आपको सबसे अच्छे संबंध बना के रखने होंगे खास करके सगे संबंधियों से और पड़ोसियों से किन्हीं कि जातकों को आज अच्छा दोस्त भी मिल सकता है लेकिन किसी नए पर भरोसा करने से पहले उनकी जांच जरूर करें आज आपके जिद्दी रवैया की वजह से आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है तो कल्पनाओं के पीछे न दौरे सोच समझ करेंगे तो उसको में आपको सफलता मिलेगी बात व्यापार और तो आज आपको व्यापार में का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इस चुनौती से घबराएं नहीं बल्कि इसका सामना डट कर करें आज किसी से पैसे उधार लेने से बचें आज कर्ज लिए गए पैसे आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे जो आज नौकरी कर रहे हैं उनके सहकर्मियों के साथ उनके भी सकते हैं। आज आपके बड़े आपके आज आपके खर्च में भी वृद्धि हो सकती है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है अपने समय को बर्बाद करने से बचें समय का एक एक पल महत्वपूर्ण है उस पल का लाभ जरूर उठावे अभी आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा हुआ है स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए तले भुने और मसालेदार खानों से दूर रहना चाहिए प्रेम संबंध की बात कर जीवन साथी से हल्की नोकझोंक के बाद अच्छे संबंध भी बनेंगे आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है लेकिन पार्टनर के चुनाव करने में सावधानी भी बरतें प्यार के इजहार करने के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक रहेगा आज के दिन अगर गुर खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग सुनहरा रंग और आपके लिए आज का लकी नंबर चार रहने वाला है बात करेंगे तुला तुला राशि राशि की चंद्रमा आज आज नौवें स्थान में में विराजित है जिसके फलस्वरूप आप अपनी बातों को समाज में अच्छे ढंग से रख पाएंगे जिसके फलस्वरूप आपके चाहने वालों की संख्या में वृद्धि भी होगी अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उसका भरपूर लाभ भी आपको मिलेगा आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा कोई फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आपको आज प्राप्त हो सकता है सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा आज आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे लेकिन कुछ जातक किसी अज्ञात भय से आज परेशान भी रह सकते हैं व्यापार और धन की बात करें तो चाहे आप व्यापार करते, या करते हो या नौकरी करते हो आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग आपको प्राप्त आज होगा किसी करीबी मित्र या सगे संबंधियों की मदद से व्यापार में आपको लाभ भी हो सकता है आज आपके व्यापारिक प्रतिद्वंदी आपको व्यापार में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी जिन जातकों को मकान या गाड़ी की तलाश है उनकी तलाश पूरी हो सकती है जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है आपके ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती है स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है मानसिक शांति का अनुभव भी करेंगे प्रेम संबंध की बात कर प्रेम संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए आज आपके जीवन साथी के साथ समय बिताएं अपने आप को ऊंचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिश भूल कर भी ना करें इससे आज विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जिन अविवाहित जातकों को साथी की तलाश है उनकी खोज भी आज पूरी हो सकती है आज के लिए दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग और आपके लिए आज का लकी नंबर छः रहने वाला है बात करें वृश्चिक राशि की वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज दसवें स्थान में विराजित है जिसके प्रसव आज आपके कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रोत्साहन भी मिल सकता है आपके प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में आपको सफलता प्राप्त होगी अपने घर के कार्यों में आज, आज आप व्यस्त भी रहेंगे भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी लेकिन संतान की तरफ से थोड़ी चिंता भी आपको रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान रखें आज घर में कलह का माहौल भी बन सकता है आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे परंतु पिता के स्वास्थ्य से थोड़ा तो चिंतित भी रहेंगे व्यापार और धन की बात करें तो आज आप में आत्मविश्वास भरपूर होने के कारण आप मानसिक तौर पर बहुत ही मजबूत नजर आएंगे जिसका फायदा आपको भी व्यापार में मिलेगा जो यहाँ तक नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनौती मिल सकती है आज आपके खर्च भी ज्यादा हो सकते हैं तो फिजूल खर्च पर नियंत्रण जरूर रखें विद्यार्थी की बात करें तो आज आपके मित्र आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकते हैं मोबाइल फोन में ज्यादा समय बर्बाद ना करें आपने पढ़ाई पर ध्यान जोड़ दें स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है कुछ जातकों को जोरों का दर्द परेशान कर सकता है तो हल्का व्यायाम करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज कहीं अच्छा रहने वाला है जीवन साथी के साथ आज समय बिताएं साथ ही आज आप यह जान पाएंगे कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं आज के दिन अगर उड़द की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग ऑरेंज कलर और आपके लिए आज का लकी नंबर तीन रहने वाला है बात करेंगे धनुराशि की धनुराशि में चंद्रमा आज ग्यारहवें स्थान में विराजित है जिसके फल जो मेहनत आपने अपने बीते दिनों में किया है उसका फल आपको मिलेगा जिसके कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी आज आप कोई भी नया कार्य करने के लिए प्रेरित भी रहेंगे इस नए कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना भी संभव है आपको आज कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुधारने में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी आप आज अपनी धैर्य में कमी को महसूस करेंगे जिसके कारण आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं तो धैर्य निश्चित तौर पर बनाए रखें व्यापार और धन की बात करें तो आज आप अपने बातों करने की क्षमता और काम करने की क्षमता से अपने व्यापार में अपने कार्य में वृद्धि कर पाएंगे आपकी आय में भी बढ़ोतरी इस वजह से हो सकती है जो यहाँ तक नौकरी कर रहे हैं उनके सीनियर अधिकारी उनसे प्रसन्न रहेंगे आज किसी को कर्ज देने से बिल्कुल बचें अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति ना हो तो उसे पैसे का उधार ना दें ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज कहीं अच्छा रहने वाला है आज आप अपनी पढ़ाई के लिए अनुकूल स्थिति का अनुभव करेंगे तो ऐसी स्थिति का लाभ उठावें ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें स्वास्थ्य की बात करें तो आज अपने खान पान का ध्यान रखें पेट संबंधी किसी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है प्रेम संबंध की बात की छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन साथी से आज उलझ सकते हैं एक दूसरे से वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है लेकिन यह सब होने के बावजूद आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध बिताएं इससे आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे आज कहेंगे चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग पीला रंग और आपके लिए आज का लकी नंबर चार रहने वाला है बात करें मकर राशि की मकर राशि चंद्रमा आज बारहवें स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपके मकान मालिक के साथ संबंध आज बिगड़ सकते हैं तो यहाँ पे सावधानी जरूर बरते हैं। आज आपके संतान की तरफ से खुशी होगी आपको परिवार में सकारात्मक वातावरण इस कारण बनेगा किसी पुरानी समस्या का अंत भी हो सकता है आपके आत्मविश्वास में कमी भी आ सकती है साथ ही अपने वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि आज आपके लड़ाई झड़े के योग भी बन रहे हैं ऑफिस में आपके सीनियर आपको किसी काम को लेकर आज उकसा सकते हैं धैर्य से यह एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है व्यापार और धन की बात है तो आज आपको व्यापार में हानि का सामना करना पड़ सकता है अगर किसी के साथ पार्टनरशिप पर व्यापार करते हैं तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाभ में ले जा सकते हैं अगर अच्छी योजना बनाएंगे तो आप अपने हानि को लाभ में बदल भी सकते हैं विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों का मन आज चंचल रहेगा पढ़ाई के अलावा अन्य चीजों में समय बर्बाद ना करें अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगावें शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आज दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका मन अशांत रहेगा मेडिटेशन करना आपके लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है जो यहाँ तक हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज या दिल के रोगी हैं उन्हें आज विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए प्रेम संबंध की बात करें प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है जीवन साथी को समय दें उनकी भावनाओं का कदर करें इससे आपके प्रेम समय मिठास उत्पन्न हो सकती है परिवार के बीच सामंजस्य बना रहेगा प्यार के इजहार करने के लिए भी आज के दिन अच्छा रहने वाला है आज के दिन अगर दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग हरा रंग और आपके लिए आज का लकी नंबर छह रहने वाला है बात करें कुंभरासी की कुम्भरासिम चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है जिसके प्रसुभ आज आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा आज कोई भी निर्णय भावुकतावश न ले ऐसे निर्णय से आप परेशानी में पड़ सकते हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है आपको आज भाग्य का साथ भी मिलेगा परिवार के कहीं दो सदस्यों के बीच मनमुटाव भी बढ़ सकता है अगर आज पूरे परिवार के साथ कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी आज आपको आपके सहकर्मियों का सहयोग हो, प्राप्त होगा लेकिन ध्यान रहे वो आपके काम का क्रेडिट भी लेने का प्रयास करेंगे आज किसी सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें सच्चाई को परखें तभी आगे बढ़ें व्यापार और धन की बात करें तो व्यापारियों को आज कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए किसी अचानक से आई चुनौतियों का सामना भी करना आज आपको पड़ सकता है तो इसके लिए पहले से ही सचेत रहें अगर कहीं निवेश करने का मन बना रहे हैं तो एक बार अनुभवी लोगों से सलाह जोड़ लें कर्ज लेने से आज बिल्कुल बचे विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगेगा आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए आपको अच्छी योजना बनाकर मेहनत करनी होगी तभी आपको सफलता मिलेगी स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए जिन जातकों को आज हाई या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है वह आज अच्छा महसूस करेंगे प्रेम संबंध की बात है तो आज आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोकझोंक भी हो सकती है बाद में सब कुछ लेकिन ठीक हो सकता है अविवाहित जातक आज प्रेम संबंध में कोई नया रिश्ता बनाने से पहले सामने वाले को परखे जरूर प्रेम संबंध में आज आपके किसी प्रकार की चिंता रह सकती है आज के लिए केला खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग हल्का नीला रंग और आपके लिए आज का लकी नंबर तीन रहने वाला है बातें करें मीन राशि की मीन राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज आपका मन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं छोटे मोटे परेशानियां आएंगी लेकिन उन परेशानियों पर विजय पाने की कोशिश जरूर करें कुछ नए विचार आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं आज अगर किसी की मदद करते हैं तो उसका फायदा आपको भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा बिना जांच पड़ताल किए किसी व्यवसाय या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से आज बचें इससे आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं व्यापार और धन की बात करें तो आज आपको व्यापार में लाभ होगा व्यापार में जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं आज आप उन पर विजय पा सकते हैं जो यहाँ तक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज के अच्छा रहने वाला है आपके सीनियर या बॉस आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आज अपने बॉस के सामने खुद की पैरवी ना करें इससे आप निगेटिव में भी जा सकते हैं विद्यार्थी की बात करें तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपनी दीर्घ इच्छा शक्ति से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान जोर दे स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्कता रखनी चाहिए आपके शारीरिक और मानसिक बीमारी की जड़ आपका दुख हो सकता है व्यायाम करें खुली हवा में टहलें आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा प्रेम संबंध की बात करें तो अपनी बातें अपने जीवन साथी पर थोपने से आज कला की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अपने जीवन साथी को बराबर का अधिकार दें इससे आपके समान मधुर बने रहेंगे आज के दिन अगर हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का शुभ रंग पीला रंग और आपके लिए आज का लकी नंबर दो रहने वाला है तो मित्र ये था आज के बारह राशि का राशिफल अब जान लेते हैं आज का समय। आज का का शुभ शुभ समय समय यानी कि काल रहने वाला है दिन के नौ बजकर छह मिनट से लेकर दस बजकर छियालीस मिनट तक इस समय में कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहने वाला है दिन के दो बजकर सात मिनट से लेकर तीन बजकर सैतालीस मिनट तक इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल बचें दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा न करें नुकसान हो सकता है शुभ खाद्य आज का रहने वाले जीरा जीरे का एक दाना खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनेंगे तो मित्र मतलब ये था आज का संपूर्ण राशिफल कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा जय माता दी